हेलो एवरीवन, कुक विद प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बिना ओवन के, बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा के और बिना ओवन के बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस बिस्किट्स, और वो भी हम बहुत ही सिंपल और जो घर के रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, उसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। तो चलिए देखते हैं ये बिस्किट्स कैसे बनाते हैं। ये बिस्किट्स बनाने के लिए एक मैंने ये छलनी ली है पहले, और उसमें मैं ये एक कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, जो जिसे हम रोटी बनाते हैं वही आटा। तो पहले इस आटे को हम अच्छे से छान लेते हैं। देखिए छान लिया है, उसके बाद मैंने लिया है हाफ कप बेसन। आप कोई भी घर में रखा हुआ बेसन ले सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल बेसन की ज़रूरत नहीं है। और उसको भी मैं अच्छे से पहले छान लेती हूँ ताकि इसके जो सभी पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाए और उसमें कुछ मोटा दाना वगैरह जो है निकल जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे से पीस के मैंने 1/4 कप चीनी ली है। देखिए मैंने पहले ही छान के लिए है, अब इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये पीसी हुई चीनी है 1/4 कप। अब इसमें मैं लेती हूँ थोड़ा सा नमक, और उसमें मैं देखिए पिंच से ले रही हूँ। मैं ऐसे करके मैंने 4 पिंच लिया है। आपको ज़्यादा नमक नहीं डालना है तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और मैंने टेस्ट के अनुसार इलायची ली। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको मिला लेती हूँ मैं। आप हाथ से भी मिला सकती हो, नहीं तो आप इसको फिर से छान के भी ले सकते हैं। अब ये मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि इसका मैं डो जो मुझे बनाना है वो अच्छे से बन जाए। अब इसमें मैंने फिर से 1/4 कप मैंने घी लिया है। आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं, कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मैंने पूरा घी लिया है। आपको ये घी मेल्ट करके नहीं लेना है, ऐसा ही लेना है आपको। अगर आपके पास सॉलिड नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख के सॉलिड करके ही ले, तभी इसका जो टेक्सचर है वो बढ़िया आएगा। देखिए मैंने कोई मैदा वगैरह नहीं लिया है, बस बेसन और आटा लिया है। देखिए ये 1/4 घी से ना ऐसा बना है, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मुझे, मॉइस्चर कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून और मिला रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा आपका जो मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो देख के मिला लीजिए। अगर आपको लगता है इसका डो बढ़िया बना है तो आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़रूरत है इसलिए मैंने मिला लिया है। आपको इसको अच्छा सा इसका जो है डो बना के लेना है पहले। देखिए मैंने बढ़िया सा डो बना के लिया है। देखिए बढ़िया सा मक्खन जैसा डो बन चुका है। एक गोला बना के भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए बढ़िया गोला बन रहा है। तो मैंने ये एक मेरे पास केक का पैन था तो मैंने इसको ले लिया। पहले इसको मैं घी से ग्रीस कर लियो। अगर आप इसमें घी डाल रहे हो इसमें तो आपको घी से ही ग्रीस करना है। अगर ऑयल लगाओगे तो ऑयल की स्मेल आएगी। उसके बाद मैंने ये बटर पेपर लिया है और बटर पेपर को भी मैं ग्रीस कर रही हूँ घी से। बटर पेपर से ये इजी निकल जाते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने डो बनाया था इसके जो गोले हैं ये सेम साइज के आने चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून था, इसमें मैं डाल के ये इक्वल शेप आने के लिए मैं इसमें डाल के ले रही हूँ। देखिए ये गोला बनाया है। आप ये जो बिस्किट्स है जिस साइज में चाहिए उसी साइज में आप बना सकते हैं। देखिए मुझे राउंड चाहिए, उसके ऊपर डिजाइन के लिए मैं ये चाकू से ये ऐसे डिजाइन बनाई। ये थोड़ी सी मैंने मोटी मोटी बनाई, आप इसको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। देखिए अब ये पैन में हम रख देते हैं। देखिए ये मैंने बना लिए हैं, ये यहाँ 7 बिस्किट बैठे हैं। और मैंने ना एक पीसी हुई थोड़ी सी चीनी दूध में मिलाई और अब मैं इसके ऊपर ग्रीस करूंगी ये दूध से ना ये बहुत बढ़िया कलर आएगा। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी ये कैसा कलर आया है। थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने इसके ऊपर मोटी वाली चीनी डाली है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप पिस्ता भी लगा सकते हैं ऊपर, आप काजू भी लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा काजू आधा कट करके लगाया है। ये डेकोरेशन के लिए ये आपके ऊपर है, आपको जैसा कलर, जैसा डिजाइन, जैसा शेप चाहिए वैसा आप बना सकते हैं।
ये जब ये बन जाएगा ना, ये तब बढ़िया कलर आएगा ये दूध से। आप सोच रहे हो कि दूध क्यों डाल रहे हो ऊपर से, देख लेना। ये मैंने एक कढ़ाई पहले ही, थोड़ी सी ये खराब कढ़ाई है, मैंने पहले ही गरम करने को रखी थी 5 मिनट के लिए। उसके बाद भी तुरंत आपको ढकना है, तुरंत इसमें रखना है ताकि इसका जो हीट है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको 15 मिनट हमें रखना है, 15 मिनट के बाद चेक करते। देखिए ये बहुत बढ़िया कलर आया है। ये थोड़े से मैंने मोटे मोटे बनाए लेकिन 15 मिनट में ये बन गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़े पतले हैं तो कम टाइम लगेगा, मोटे हैं तो थोड़ा सा 20 मिनट तक भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड है आपका ये जो जो इसकी जो ये विड्थ है कितनी रखी, उसकी मोटापा कितना है, उसके ऊपर ये डिपेंड है। देखिए ये बहुत बढ़िया, देखिए ये ऊपर से जो ब्राउनिश कलर आया है ना, ये दूध की वजह से आया है। दूध में शक्कर मिला है इसकी वजह से ये आया है। देखिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये केक पैन में ये रखने का यही फायदा है कि ये इजीली निकल जाता है। देखिए बहुत बढ़िया बना है। इसको मैं आपको लास्ट में तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया कलर आया है। देखिए एक एक करके निकाल के दिखाऊंगी। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कीजिए, और ये रेसिपी आप जरूर बना के देखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ये कैसी बनाई, ये भी लिखना। देखिए ये तोड़ा हुआ दिखाया मैंने आपको, देखिए ये बहुत बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।